हमने राष्ट्रीय जल समस्या समाधान समिति के माध्यम से जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कृषि मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन तहसीलदार महोदय है। क्रेडिट कार्ड बनने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कुरवाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति ने मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जिला सहकारी बैंकों की क्रेडिट कार्ड भरने की तारीख 31 मार्च है, इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया जाए, क्योंकि अभी कई किसानों की फसलें नहीं कटी है, न ही सरकार की तुलाई केंद्र शुरू हुए हैं। कई किसान इस कारण से वंचित रह जाएंगे और बैंक से डिफॉल्टर हो जाएंगे, क्योंकि अभी गेहूं की फसल कटनी में देर है एवं फिर तुलाई होगी। तुलाई के बाद राशि आएगी, तब जाकर किसान बैंक के कर्जा ड्यू कर सकेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय कृषि मंत्री महोदय जी, कृपया किसानों के ऊपर दया दिखाएं और कम से कम 1 महीने का टाइम और किसानों के लिए दें, ताकि किसान समय रहते ड्यू हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों में राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र भार, राष्ट्रीय सचिव राहुल मानव, मुकेश रजक, सिरोज मोनू अहिरवार, राजीव अहिरवार, उमा शंकर तिवारी, सुबेश दीक्षित, राजू खान जी, राजीव अहिरवार, सचिन अहिरवार, अमित अहिरवार सहित कई किसानों ने मांग की है। विदिशा कुरवाई से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। आज अपने किस विषय पर ज्ञापन दिया? आज अपने राष्ट्रीय समस्या समाधान समिति के माध्यम से जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कृषि मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन तहसीलदार महोदय बाइक सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जिला सहकारी बैंक में KCC ऋण जमा करने में समय सीमा बढ़ा जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि अभी किसानों की पूर्ण रूप से फसल नहीं आई है, कुछ किसान की फसल अभी भी हरी है, लेकिन आपकी बैंकों ने उसे समय सीमा 31 मार्च दी है, तो कई किसान इससे वंचित रह जाएंगे। और कमलनाथ जी के समय जैसे लोग डिफॉल्टर हो गए थे, ऐसे ही कई किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे। आदरणीय मामा जी, इन किसानों को कम से कम 1 महीने का और समय दिया जाए। आपकी इस KCC ऋण जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल बढ़ाई जाए। इन्हीं बातों को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति के तत्वाधान। धन्यवाद।